हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे जीलोट S16 ब्लूटूथ स्पीकर की, जो मुझे भेजा है बैंगुड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि वो मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर भेजना चाहते हैं। तीन चार ब्लूटूथ स्पीकर्स में से मैंने जीलोट S16 को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके रिव्यूज़ बैंगुड पर काफ़ी अच्छे थे। बैंगुड, जैसे कि आप जानते हैं, एक चाइनीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट है, जस्ट लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आइटम्स को शिप करती है। बैंगुड ने यह स्पीकर शिप किया था 22 जून को, जो मुझे मिला है 18 जुलाई को, तो लगभग 25 दिनों में यह स्पीकर चाइना से सीधा यहां पर डिलीवर हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि ये किस तरह का स्पीकर है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है और क्या आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पर 5-5 वॉट के दो स्पीकर्स हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टोटल पावर आउटपुट हो जाती है 10 वॉट। इसके अलावा यहाँ पर दो बेस रेडिएटर्स हैं, एक इस साइड पर एक इस साइड पर। बैटरी कैपेसिटी इसमें 4000 mAh की है और ज़ीलोट के मुताबिक 20 घंटे का प्लेबैक टाइम है, जो काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा इसमें माइक्रोफोन की फैसिलिटी है, तो आप अपनी कॉल्स को स्पीकर के ऊपर अटेंड कर सकते हैं। साथ में इसमें IPX4 की ड्यूरेबिलिटी रेटिंग है, जो इसे बनाती है स्प्लैश रेजिस्टेंट। इसके अलावा इसमें पावर बैंक का भी फीचर है, तो आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं, जो 4000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है उससे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ 4.2 के अलावा आपको microSD का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप अपने गानों को microSD में डालकर भी सुन सकते हैं। बॉक्स में आपको स्पीकर के अलावा मिलती है एक microUSB to USB चार्जिंग केबल, एक ऑक्सिलरी केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। डिज़ाइन की अगर बात करें तो ज़ीलोट S16 का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर है JBL चार्ज 4 से। JBL चार्ज 4 की तरह ही यहाँ पर बटन स्टॉप पर हैं, नीचे की तरफ स्टैंड है, उसके अलावा दो बेस रेडिएटर्स हैं साइड में, उसके अलावा दोनों में ही पावर बैंक का फीचर है। तो लुक्स के मामले में ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है JBL चार्ज 4 से। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है स्पीकर की, काफ़ी सॉलिड फील है इसकी। यहाँ पर दोनों साइड्स पर मेटल मैश हैं, उसके अलावा जो ये रबराइज्ड पैडिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। नीचे की तरफ एक स्टैंड दिया हुआ है। ज़ीलोट S16 आता है 3 कलर ऑप्शंस में, रेड, ब्लू और ब्लैक। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक है। यहाँ टॉप पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप का बटन जिससे आप ट्रैक को आगे कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन का बटन जिससे आप ट्रैक को पीछे भी कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज का बटन। साथ में आप इस बटन से अपने स्पीकर पर ही कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मोड बटन है जिससे आप ब्लूटूथ या फिर microSD के बीच में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर एक LED इंडिकेटर लाइट भी है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि टॉप में कोई भी पावर ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं है। पावर ऑन एंड ऑफ का बटन यहाँ इन्होंने पीछे फ्लैप के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पर दूसरे पोर्ट्स हैं, microUSB पोर्ट चार्जिंग के लिए, ऑक्सिलरी पोर्ट, microSD कार्ड स्लॉट के लिए पोर्ट, USB A पोर्ट पावर बैंक फीचर के लिए, और यहाँ पर इन्होंने ये ऑन एंड ऑफ का स्विच दिया हुआ है। तो इसको राइट करते ही स्पीकर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि पावर ऑन एंड ऑफ़ का बटन टॉप पर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि बार बार आपको इस फ्लैप को खोलना पड़ेगा पावर ऑन या फिर पावर ऑफ़ करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब आप स्पीकर को ऑन करते हैं तो सारे कंट्रोल्स इल्यूमिनेट हो जाते हैं, तो ये भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा अगर आप अंधेरे में इस स्पीकर को यूज़ कर रहे हैं तो ये लाइट्स हमेशा ऑन रहेंगी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील हो। तो अब हम इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 सॉन्ग्स प्ले करता हूँ और फिर हम इसकी साउंड क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। We'll be right back.
अब बात करते हैं Zealot S16 की साउंड क्वालिटी की। तो जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है स्पीकर की काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बेस की अगर बात करें तो बेस काफ़ी अच्छा है, पंची भी है, थंप भी है, पर क्योंकि यहाँ पर दो बेस रेडिएटर्स हैं और जो इसका बड़ा साइज़ है तो बेस में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर नेवरदलेस जो बेस है वो अच्छा है स्पीकर का। मिड रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर वोकल्स में काफ़ी क्लैरिटी है, हाई रेंज में यानी ट्रेबल में भी काफ़ी क्लैरिटी और डिटेलिंग है, तो गाने सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस स्पीकर के ऊपर। ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है स्पीकर का वो मुझे बैलेंस्ड लगा। कोई भी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, चाहे बेस की बात करें, मिड रेंज की बात करें या हाई रेंज की बात करें, तो कोई भी ज़्यादा बूस्टेड नहीं लगी मुझे। ओवरऑल काफ़ी बैलेंस साउंड है स्पीकर का। लाउडनेस की अगर बात करें तो 10 वॉट के हिसाब से स्पीकर लाउड हैं, पर क्योंकि मैंने 10 वॉट के दूसरे स्पीकर्स भी टेस्ट किए हुए हैं तो उनके हिसाब से जो लाउडनेस है वो मुझे 5-8% कम लगी इन स्पीकर की। डिस्टॉर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ Zealot S16 से, क्योंकि जो इसका डिस्टॉर्शन लेवल है वो काफ़ी कम है। जितने भी 10 वॉट के स्पीकर्स मैंने टेस्ट किए हैं उन सब में से Zealot S16 का जो डिस्टॉर्शन लेवल है वो सबसे कम है। तो ओवरऑल जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। पर अगर आप ज़्यादा धूम धड़ाका, ज़्यादा शोर या काफ़ी लाउड साउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएं इस स्पीकर से। तो अब टेस्ट करते हैं Zealot S16 के माइक्रोफोन की क्वालिटी। यहाँ पर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की है, आप मुझे बताइए कि इसकी क्वालिटी कैसी लगी आपको। हेलो गाइस, अब जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं Zealot S16 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, आप मुझे बताइए इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अब बात करते हैं स्पीकर के प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर प्रोज की बात करें तो इस स्पीकर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा इसमें 4000 mAh की बैटरी है और 20 घंटे का प्लेबैक टाइम है, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कॉन्स की अगर बात करें तो कोई खास कॉन नहीं लगा मुझे। एक चीज़ जो मुझे खटकती है वो है कि जो इसका पावर बटन है ये इन्होंने यहाँ फ्लैप के नीचे दिया है, तो बार बार आपको फ्लैप को खोलना पड़ेगा इस स्पीकर को ऑन या ऑफ करने के लिए। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस स्पीकर का जो प्राइस है बैंगुड पर वो है 4300। प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बैंगुड आजकल इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स दोनों को कलेक्ट करता है और प्राइसिंग में इंक्लूड करता है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बिना किसी इशू के आपके पास पहुंच जाए। पर यहाँ पर बैंगुड ने मुझे एक कूपन कोड ऑफर किया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्पीकर में इंटरेस्टेड हैं तो वो कूपन कोड को आप यूज़ करके 32% ऑफ ले सकते हैं, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस हो जाता है 2800। तो अगर आप इस स्पीकर में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कूपन कोड मेंशन किया है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू Zealot S16 ब्लूटूथ स्पीकर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।